क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु जी, क्या SBI के चेयरमैन भी रत्नों की अंगूठियों को धारण करती हैं? देवी रुक्मणी, भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य भी अपने जीवन में अपने क्रियाकलापों को, अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए समय समय पर रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं जागृत करवाकर धारण करती रही हैं, जैसा कि आप इस फोटो में स्पष्ट देख सकते हैं। गुरुजी, हमने बहुत सारे लोगों के हाथ में रत्नों की अंगूठियां देखी हैं। वो ये अंगूठियां क्यों पहनते हैं और कैसे पहनते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। देवी रुक्मणी, अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए, अपनी ग्रहों की ग्रह जनित पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत प्राचीन समय से रत्नों की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा कराकर जागृत की हुई अंगूठियों को धारण करना हमारे संतों, ऋषि मुनियों और महात्माओं ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताया था। उस समय से आज तक जनमानस में अपने अपने ग्रहों की शांति के लिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की रतन जड़ित अंगूठियां धारण करने की परंपरा चली आ रही है। किसी भी ग्रह की पीड़ा को, किसी भी ग्रह के दोष को या किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए उस ग्रह से संबंधित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके पहनी हुई, यानी किसी योग्य विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर पहनी हुई रत्नों की अंगूठी निश्चित ही फल प्रदान करने वाली होती है। जय शनिदेव। क्या आप परेशान हैं? तो आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित जेम रिंग्स, रत्नों की अंगूठियां, ब्रेसलेट या लॉकेट अवश्य पहने। संपर्क करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर या हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर डिस्कस कर सकते हैं।